नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं एएच न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। ये आपको भी पता है कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के टमाटर मशरूम जैसी सब्जियां भी अनेक शहरों की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन स्थिति क्या रही है? कुल्लू का, शिमला का या किन्नौर का जो सेब किसान के बाग से 40-50 रुपये किलो ही के हिसाब से निकलता है, वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब करीब 100-150 रुपये तक पहुंचता है। बीज का लगभग 100 रुपये का जो हिसाब है, न वो कभी किसान को मिला न कभी वो खरीदार को मिला, तो वो गया कहां? किसान का भी नुकसान और शहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुकसान। यही नहीं, यहां के बागवान साथी जानते हैं कि सेब का सीजन जैसे जैसे पीक पर जाता है तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती है। इसमें सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिनके पास छोटे बगीचे हैं। साथियों, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो, लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे, सोच तो उनकी भी थी हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी, हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है, हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है, हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हां, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो विकल्प तो है ही है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया है। यानी हर प्रकार से किसानों, बागवानों, उन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किए गए हैं।